मैंने आज इतना अच्छा प्लेन बनाया, मतलब ये लिटरली एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है, जानते हो वो अमेरिका ने कहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता ये वाला एयरप्लेन, पेपर प्लेन वैसे इसको बोला जाता है, ठीक है। तो फिर मैं आज वो ही बनाया हूँ, ठीक है, मैं ट्यूटोरियल नहीं दूंगा। और थैंक्स फॉर गिविंग मी 4.7K व्यूज इन अ शॉर्ट्स, ठीक है। और भी चलिए शुरू करता हूँ मैं उसका वीडियो। तो फिर गाइस वो प्लेन है, मैं खोल के दिखाता हूँ असल में, रुको, वैसे बहुत डिज़ाइन किया हो भाई, बहुत डिज़ाइन भाई, क्या ही बोलू भाई। ये है वो वाला प्लेन, ये है इसका, ये है इसका बैक पार्ट और ये है इसका फ्रंट पार्ट, ठीक है। फ्रंट पार्ट को मैंने उसका उसका उतना डिज़ाइन नहीं किया क्योंकि फ्रंट पार्ट भाई कौन देखता है, मतलब फ्रंट पार्ट ही सब कोई देखता है, पर फ्रंट पार्ट मैं जब बनाया था मेरा दिमाग में उतना आइडिया नहीं आया था और मैंने इसको उतना सीरियस भी नहीं लिया था कि भाई मुझे डिज़ाइन करना है, ठीक है। पर लास्ट में जो निकला धमाकेदार था भाई, यह है फ्रंट पार्ट और मैं इस पेपर प्लेन का नाम दिया हूँ पोकर 2038, ठीक है। और इसका बैक वाला पार्ट देखना चाहते हो ये देखो, ओ माय गॉड, मैंने जब सोचा मुझे डिज़ाइन करना ही है तो करना है, फिर मैंने बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लेन। वैसे मैंने इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं जिताया कि कोई आदमी नहीं जिताया, ठीक है। ये देखो, ये मैंने A4 साइज पेज से बनाया इसलिए इतना अच्छा बनाया, आप लोग कोई भी पेज से बना सकते हो। मैंने इसका एक ट्यूटोरियल भी डाल दिया है, क्या पता मैं डाल दूँगा, ठीक है। ये देखो भाई कितना अच्छा इसका डिज़ाइन है, ठीक है। मैं मेरा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अब इसको उड़ा कर दिखाऊंगा, रुको मुझे शर्ट पहनने दो, क्योंकि ये ना मैं जस्ट एक तो वो कपड़ा जैसे कि फिर गंदा वाला कपड़ा पहना, मुझे कपड़ा पहन के आने दो। यो गाइस मैं शर्ट पहन के आ गया हूँ और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लेन, आप देखो भाई, आप लोग ऐसे नहीं देख पाओगे, रुको मैं दिखाता हूँ कहीं करके भी तो मैं दिखाऊंगा इसे भाई। बैकग्राउंड मत देखो, ये देखो ऐसे उड़ता है, पर आप लोग इसे एकदम लास्ट फ्लोर में जाके छत से उड़ाओगे फिर भाई बहुत अच्छा उड़ेगा। पर एक तो खतरा है कि इधर ये किसी के हाथ में भी जा सकता है, किसी के सर में भी जा सकता है, और आप लोग इतने ऊंचे फ्लोर से किसी के सर में मारोगे तो भाई तबाही हो जाएगा, वो आपके पीछे डंडा लेकर भागेगा, ठीक है। पर फिर भी ये आप लोग छत से उड़ाओगे तो बहुत अच्छा उड़ेगा भाई, टडा।